मैं सिर्फ राज अहमद, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय जलहा, वर्ग 6। आज हम लोग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का जो भाग 1 है, क्लास 6 में पढ़ाया जाता है ये, इसका आज हम लोग चैप्टर 1 से, जो कि समाप्त है बच्चों का, आज हम लोग प्रश्न पूछेंगे। अभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बच्चे एक बार में इसका जवाब देंगे। चलिए बच्चों, आप लोग तैयार हैं? याद है? चलिए पहला प्रश्न, संविधान किसे कहते हैं? छोटे बड़े नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं जी? 395। भारत के संविधान में पहले कितनी अनुसूचियां थी? 8। कितनी थी? 8। अब कितनी है जी? 12 अनुसूचियां। संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अच्छा, आप बताइए कि भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था जी? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। अच्छा, ये बताइए कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, भारत का संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अच्छा, जिस दिन लागू किया गया यानी कि 26 जनवरी को, हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं जी? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि दूसरा प्रश्न पूछा जाए, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या कहिएगा? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अच्छा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है जी? 26 नवंबर को। जिस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था, उस दिन हम लोग, वही 26 नवंबर का दिन था, उसको हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न बताइए, बिहार के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? ऐसे हम लोग को पसंद नहीं है, लेकिन लोगों को पसंद आता है कि लिट्टी चोखा बिहार का प्रसिद्ध भोजन है, पसंदीदा भोजन। चलिए, अच्छा ये बताइए कि पंजाब के लोगों को लोकप्रिय भोजन क्या है जी? मक्के की रोटी और सरसों की साग पसंद है। अच्छा, पश्चिम बंगाल के लोगों को क्या पसंद है? मछली और चावल। तो बताइए कि दक्षिण भारत के लोगों को क्या खाना पसंद है जी? इडली, डोसा और सांभर। आप लोग खाए इडली, डोसा और सांभर? नहीं सर, हम भी नहीं खाए हैं। चलिए बताइए, बिहार का मशहूर पर्व क्या है? छठ। हालांकि बिहार में ईद भी मनाई जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है, होली भी मनाई जाती है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा मशहूर पर्व क्या है जी? छठ। पश्चिम बंगाल का सबसे मशहूर पर्व क्या है? अच्छा, दुर्गा पूजा बिहार में मनाया जाता है कि नहीं? मनाया जाता है। इसको दूसरा कौन नाम जानते हैं? दशहरा के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र का मशहूर पर्व क्या है? गणेश उत्सव। क्या है जी? गणेश उत्सव। तो केरल का मशहूर पर्व क्या है जी? ओणम। ओणम कहाँ का मशहूर पर्व है? केरल का। झारखंड का मशहूर पर्व क्या है? सरहुल। अच्छा, आपको उल्टा पूछते हैं, सरहुल कहाँ का मशहूर पर्व है? झारखंड का। ओणम कहाँ का मशहूर पर्व है? केरल का। और दुर्गा पूजा? गणेश उत्सव? महाराष्ट्र का। छठ? बिहार का। अगला प्रश्न आप बताइए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जी? चलिए अगला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिहार के प्रथम बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे जी? श्री कृष्ण सिंह। कौन? श्री कृष्ण सिंह थे। हाँ, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे जी? श्री जयराम दास दौलत राम। क्या? दौलत राम थे। अच्छा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। बिहार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? हाँ, बिहार में हिंदी भी, भोजपुरी, उर्दू भी बोली जाती है, मगही, मैथिली, अंगिका, वज्जिका, ये सारी भाषाएं बिहार में बोली जाती है। अच्छा, बताइएगा भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? 1652। कितनी? 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं जी? 22 भाषाएं शामिल की गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अच्छा, बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था जी? 1891 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हो गई थी जी? 1956 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे जी? महार जाति के थे। चलिए, ये आपका आज का पहला पाठ है, ये समाप्त हुआ। आप लोगों ने बहुत बेहतर उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।